चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि कोरोना लगातार पूरे देश में बढ़ रहा है, मगर देश में भी कई हिस्सों में केस कम होने के बजाय फिर से बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि कोरोना का प्रकोप अभी देश से समाप्त नहीं हुआ है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। कोरोना लगातार पूरे दुनिया में बढ़ रहा है और देश में भी बहुत सारे हिस्से में हमने देखा है कि केस कम आने के बाद फिर से पिछले हफ्ते से केस में बढ़ोतरी हुई है। ये इस बात को परिचायक है कि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से इस समस्या के निदान में लगी है और हमने भी अब आगे की रणनीति के तहत हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में शहर और उस पूरे रीजन के हिसाब से विचार करके यदि बेड बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसका हमने विचार किया है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो कोरोना पीड़ित है उसको इलाज में कोई कमी ना आए। होम आइसोलेशन को लेकर भी सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है, जो एसिम्प्टोमेटिक केस हैं जिन्हें कोरोना पॉजिटिव तो आया है परंतु सिम्टम नहीं है उनको घर में आइसोलेशन की सलाह दी गई है। पर घर में आइसोलेशन जो लोग करेंगे उनकी मॉनिटरिंग भी सरकार ऐप के माध्यम से करेगी, दिन में 3 बार उनकी क्लिनिकल कंडीशन का आकलन डॉक्टर्स करेंगे फ़ोन करके ऐप के माध्यम से, और यदि कोई सिम्टोमेटिक है, यदि उसे बुखार है या उसे ऐसे सिम्टम आते हैं जो कोरोना के हैं तो उसे यही सलाह दी गई है कि वो अस्पताल में भर्ती हो। पर होम आइसोलेशन यदि एसिम्प्टोमेटिक हैं तो वो बहुत उपयोगी हो रहा है, सफल हो रहा है, पर उसकी मॉनिटरिंग भी सरकार के डॉक्टर्स समय समय पर करते रहेंगे। देखिए ये जो प्रदर्शन हो रहा है आप उन युवाओं से भी पूछेंगे तो वो प्रदर्शन कांग्रेस की सरकार की नकारा नीतियों के खिलाफ ही कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तो जब शिवराज सिंह चौहान जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और 13 साल तक हमारी सरकार ने रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की थी, सरकारी नौकरियों में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, और युवा स्वयं का रोजगार कर सके उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने अलग अलग तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू की थी। पर 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया और ये जो बैकलॉग की स्थिति बनी है ये उसी समय की है। हमारी सरकार कटिबद्ध है, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के सौ अवसर उपलब्ध कराएंगे। और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को साधुवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में पहली प्रायोरिटी, पहली जो वरीयता है वो मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगी। ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए एक बहुत साहसिक कदम है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।